हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानी अनफिल्टर्ड। एंड दिस इज द पार्ट टू ऑफ मीशो स्कैम सीरीज। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था कि मेरे साथ किस तरह स्कैम हुआ है मीशो की साइट से, किस तरह मेरा एक भी रुपया वापस नहीं आया, मेरा एक भी रुपया रिफंड का वापस नहीं आया। 20 दिन लगभग हो चुके हैं और अभी तक एक भी पैसा मेरा मेरे बैंक अकाउंट में वापस नहीं आया। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है या हो रहा है, जो ऐसे ही इस कंडीशन से निकल रहे हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने काफी कुछ इसके बारे में स्टडी किया है और फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं इसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लूंगी, उनको लीगल नोटिस भेजूंगी। सो फाइनली आई सेंड देम अ लीगल नोटिस और उनकी तरफ से मुझे रिप्लाई भी आया है मीशो की तरफ से। सबसे पहले तो उस वीडियो के बाद भी मैंने मीशो की टीम से कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मैंने उनको मेल भेजा, क्वायरी मेल भेजा मैंने मीशो पर, उनकी जो वेबसाइट है उस पर, एंड देन मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पर भी उनसे बात हुई, पर उनकी तरफ से मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला। मतलब वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आपकी ट्रैकिंग आईडी ये है, आप इस पर जाकर चेक कर सकते हैं, हमारी तरफ से रिफंड है जो आपको इनिशिएट कर दिया गया है, ट्रांसफर हो चुका है। 20 दिन हो चुके हैं, उनसे मेरी सभी प्लेटफॉर्म्स पर बात हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पर, मेल पर, उनके खुद के प्लेटफॉर्म पर कॉल्स मैंने बहुत सारी किए। और उसके बाद मैंने NCH जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है वहाँ पर ये रिपोर्ट को सबमिट किया और उनके पास मैंने सब कुछ बताया उन्हें कि कैसे मेरे पास मैंने जो ऑर्डर किया था इस डेट को किया था, इस डेट को मेरा रिफंड इनिशिएट हुआ था, सब कुछ मैंने उनको बताया था। और वो रिपोर्ट उन्होंने, वो एक लीगल नोटिस है जो मीशो को भेजा, और उसके बाद मीशो का खुद मुझे कॉल आया और उनसे मेरी बात हुई, फिर भी वो सेम चीज ही रिपीट कर रहे हैं। लीगल नोटिस भेजने के बाद उनकी तरफ से मुझे खुद रिपोर्ट्स आए, काफी सारे मेल्स आए मीशो की तरफ से कि आपका रिफंड यहाँ से इनिशिएट किया गया है, यहाँ से ट्रांसफर किया गया, सब कुछ है कि हम चेक कर रहे हैं। तो फाइनली ये स्टेप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि काफी सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है इस चीज के रिलेटेड। मतलब गलत चीज भी वो भेज देते हैं और उसके बाद डिलीवरी वाले वो चीज को लेकर जाते भी नहीं है। इसलिए अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो मैं NCH का जो हेल्पलाइन नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप भी लीगल नोटिस है जो मीशो को भेज सकते हैं। वो आपको सब कुछ पूछेंगे कि आपके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहाँ से आपके पैसे फंसे हैं, कहाँ पर आपने कितने पैसे दिए थे, आपके सब ट्रैकिंग आईडी वो लेंगे, सब कुछ लेंगे। अभी तक मेरा रिफंड वापस नहीं आया, पर अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा रिफंड डेफिनेटली वापस आएगा। अगर आप ये स्टेप्स लेंगे, मीशो वाले आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, उनके खुद आपको कॉल्स आएंगे, उनके खुद आपको मेल्स आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन वो आपको मेल्स के जरिए बता देंगे कि कहाँ पर आपके पैसे कैसे डिपॉजिट हुए हैं, कहाँ से निकाले गए हैं, कहाँ पर हैं। तो ये सब मुझे मेल्स के जरिए अब बता दिया गया। एक अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहती थी, फाइनली मैंने उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया है जिसके कारण उनकी टीम का मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे मेल्स आ रही हैं। सो इतना अगर हो चुका है तो रिफंड भी हमारा जरूर आएगा। आप कॉल्स कर रहे हैं ना तो ये रिकॉर्डिंग आप जरूर रखें, क्योंकि आगे जाके आपको जरूरत पड़ सकती है कि उन चीजों का प्रूफ आपको देना हो। तो सब चीजों का प्रूफ मेरे पास है कि मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी उनसे बात की थी, मेरी मेल भी उनको भेजा था, मैंने कितनी बार कॉल्स किया, सब चीज का मेरे पास प्रूफ था। तो इसलिए मैं ऐसी कंज्यूमर कोर्ट में इस चीजों को डिपॉजिट कर सकती थी। आपके आसपास आपके डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट भी होगा, वहां पर आप इन सब चीजों को डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आपका ऑनलाइन काम नहीं होता। पर अभी मुझे फिलहाल लग रहा है कि मेरा ऑनलाइन ही काम हो जाएगा, कहीं पर यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप अपने पास प्रूफ जरूर रखें कि आपकी कितनी बार बात हुई है, आपने कितनी बार कॉन्टेक्ट किया है उनके साथ, सब कुछ आप इस चीज का प्रूफ अपने पास रखें। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी रिफंड अगर किसी भी ऐप से, मीशो से नहीं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जिससे भी आपका रिफंड फंसा हुआ है ना, वो आपका जरूर वापस आएगा। तो इस स्टेप को आप जरूर फॉलो कर लेना। सब लिंक्स हैं, जो सब नंबर हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने भी लीगल नोटिस भिजवाना है किसी भी ऐप को कि आपका रिफंड क्यों नहीं आ रहा है, आपको किसी और चीज़ की परेशानी हो रही है कि आपके पास प्रोडक्ट गलत डिलीवर हो गया, पर आपके पास उसका प्रूफ है, आपके पास उसकी वीडियो है कि मेरे पास गलत प्रोडक्ट आया है, तो आप जरूर उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं कि हमारा रिफंड फाइनली आ चुका है, ये चीज़ की मैं दुआ करूंगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।